तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुपल। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल टेक अनुपल। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा मैं आज क्या बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों को ऐसा जो साइकिल का बैक साइड का लाइट होता है उसको निकाल लेना है। फिर आपको ऐसा लेना है एलईडी पैनल, आपको अपने हिसाब से एलईडी पैनल को कटिंग कर लेना है। तो इस तरफ से आपको कटिंग कर लेना है। आप जितना एलईडी लगा सकते हैं अपना मर्जी से आप लगा सकते हैं। तो मैंने ऐसे एलईडी को कटिंग कर लिया और यहाँ पर देखो पूरा फिट हो गया है। और आपको लेना है ऐसा वायर, तो वायर आपको मिल जाएगा दुकान पे। और ऐसा लाइट पे जो एलईडी का है वो क्रेश कर लेना है, तो आपको सोल्डरिंग करने के लिए आसानी होगा और ज़रूर लग जाएगा। ऐसे आपको सोल्डरिंग कर लेना है। तो जो आपका वायर है वायर को आपको अच्छे से लगा लेना है। आपको ऐसे प्लस माइनस का वायर लगा लेना है, जैसे मैंने प्लस लगा लिया और ऐसे ये माइनस भी लगा लिया। तो वायर कम्प्लीट हो चुका है। और आपको ये ऐसा हॉल कर लेना है जो आपको वायर निकालने के लिए। इसे मैं ये वायर निकाल लिया हूँ, आपको भी वायर निकाल लेना है। देखो वायर निकाल लिया। फिर आपको इसे लगा देना है जो एलईडी बल्ब का ढक्कन था, और ढक्कन लगा लेना पड़ेगा आपको। वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो आप टेस्ट करके देखेगा एलईडी का जो कनेक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो हो गया है, वो देखो ब्लिंक कर रहा है एलईडी। तो आपको जो साइकिल का बैक साइड का पार्ट होता है वो उसके आपको नट को लगा लेना पड़ेगा। मैंने इसे लगा लिया, आपको अच्छे से लगा लेना पड़ेगा। तो मैंने लगा लिया वायर को। ऐसे आपको आप जहाँ भी बैटरी लगा सकते हो उसके हिसाब से आपको वायर को ऐसे लपेट के ले जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लपेट के ले के जा रहा हूँ। तो ऐसे मैं लपेट के ले गया। देखते रहो वीडियो। तो इसे लपेट लेना पड़ेगा आपको। तो इसे जो साइकिल का ब्रेक का रबर होता है उसको निकालना पड़ेगा आपको। मैंने उसको निकाल लिया। आपको ऐसा एक तांबे का वायर लेना पड़ेगा, जो यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर जो तांबे का टाँ है वो घुसाने के लिए। इसे मैं घुसा दिया देखो। और थोड़ा टाइट होने के लिए मैं प्लस से थोड़ा अंदर घुसा दूँगा। देखो अंदर घुसा दिया, आपको घुसा देना पड़ेगा टच से। हो गया एक काम हो गया। फिर वहाँ पर एक कटिंग करके आपको साइड पे वायर निकालने के लिए थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा। इससे थोड़ा पेन करना पड़ेगा आपको। वो हो चुका है। यहाँ पर आपको हिसाब से आपको वायर कटिंग कर लेना पड़ेगा। वायर कट कर लेना पड़ेगा और कट कर लिया। देखो हो चुका है कट। जो रबर था उसको आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा टायर को। लगा लिया मैं। और आपके पास सोल्डरिंग वायर है तो आप सोल्डर कर सकते हैं। मेरे पास सोल्डर है इसीलिए मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। अगर सोल्डर वायर नहीं है तो आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे होता है। मैं अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया, तो सोल्डरिंग कम्प्लीट।
कसूंगा अभी देखो वो, हाँ हो गया, नॉट बिकॉज दिया मैंने। अच्छे से आपको टच चेक कर देना पड़ेगा, मैंने टच चेक कर दिया, कंप्लीट हो चुका है हमारा कनेक्शन, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए वीडियो टेस्ट कर लेते हैं। ये है चार्जिंग मॉड्यूल, देखो आप लोग ऐसे चार्ज कर सकते हैं। हो गया, चार्जिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अभी कभी आप लोग चैनल में कोई भी बंदा पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखो यह LED ब्लिंकर है, तो देखो। तो हेलो गाइस, वीडियो कैसा लगा एक कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ मेरा घंटा बटन की दबा दीजिए। थैंक यू।